हमारे साथ हैं प्रियंका यादव। प्रियंका जी वीडियो ऑन करें। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका जी, आवाज कम आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है। यू आर नॉट वॉचिंग मी। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ अब आ रही है सर आवाज? आ रही है। प्रियंका जी, आप जो है ना जयपुर से पॉलिटिकल साइंस में किया आपने? जी सर। गोल्ड मेडलिस्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। हाँ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में है क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन विषय में। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से नहीं है? पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया था सर, और बाकी गोल्ड मेडलिस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। अच्छा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस देखा था, उसमें आपका प्रोफाइल जो देखा था ना, तो मैं आई वाज थिंकिंग कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडल मिला है वो पॉलिटिकल साइंस में मिला है। अब पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई हूँ सर मैं। अच्छा, नेट क्वालिफाई, गुड। तो आप उसमें एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारा जो है ना आपको जो है ना स्कोप है आपके लाइफ के लिए? जी सर, ऑलरेडी मैं एजुकेशन में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। अरे वाह, गुड 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 गुड। अच्छा, चलिए आपके से कुछ क्वेश्चन आपको जो है ना मतलब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपसे पूछता हूँ मैं। आप कहाँ बता रहे हो, आप जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? राजकीय माध्यमिक विद्यालय देहरा गोविंदगढ़ ब्लॉक जयपुर से। अच्छा, जयपुर में। गुड। ये बाड़मेर भारत के लिए किस कारण से महत्वपूर्ण है? बाड़मेर में चार कारण बताइए कि जिसकी वजह से हमारे लिए राजस्थान नहीं बल्कि इंडिया में बहुत उसका महत्व बढ़ गया है, उसके चार कारण बताइए आप। सर, एक तो काला सोना यानी पेट्रोलियम पदार्थ के लिए बाड़मेर प्रमुख रूप से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पशुधन की संपदा की दृष्टि से राजस्थान में धनी है। और तीसरा, देखा जाए तो भारत पाक सीमा पर भी स्थित है। और इसके अतिरिक्त सर, और भी खनिज पदार्थ, कोयला आधारित, लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह भी है यहाँ पे। एक एक रीजन और है, चलो मैं बाद में रिव्यू करते समय बताऊंगा। आप जो है एजुकेशन की बहुत अच्छी जो है वो है, आपको गार्गी पुरस्कार के बारे में पता है क्या? जी सर, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार 10वीं और 12वीं क्लास की छात्राओं को, जो 75% से अबो जिनके मार्क्स बनते हैं, उनको दिया जाता है। और अच्छा, ये किसके नाम से शुरू किया है? ये सर, जो प्राचीन भारत में हमारी एक विदुषी थी गार्गी, उनके नाम से शुरू किया गया है। और इन्होंने याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रास्त्र किया था, इसके लिए इनको जाना जाता है। प्राइवेट विद्यार्थियों हेतु सरकार ने इन दिनों में बदलाव किया है। हेलो जी सर। क्या किया है उसमें? प्राइवेट कॉलेज में अगर जैसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए कुछ चेंजेस किया है भारत राजस्थान सरकार ने, उनको कुछ ज्यादा एक विशेष फैसिलिटी दी है, वो क्या है? सर अभी तो एक्चुअल में याद नहीं आ रहा। ज्ञानदूत प्रोग्राम जरूर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए चालू किया गया है। नहीं, थोड़ी दिनों पहले की बात है, एक महीना पहले या मतलब यूं कह सकते हैं कि 25 डेज पहले एक घोषणा हुई थी राजस्थान सरकार की ओर से। चलो मैं आपको रिव्यू करते समय आपको डिस्कशन करेंगे इसको। ये ओपन एक अमेरिका की तुलना में भारत में अधिक पार्टियां क्यों है, मतलब यहाँ पर वो वहां पर दो ही पार्टियां रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, इसका कारण क्या है? सर क्षेत्रीय दल उभरते हैं और फिर उनके आधार पे वो पार्टी बन जाते हैं आगे चल के, तो इसके कारण से। बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, तो बहुदलीय व्यवस्था तो वहां पर भी है अमेरिका है। लेकिन वहां किसी क्षेत्रीय दल का इतना उभार नहीं हो पाया जितना उन दो दलों का है। अन्य दल भी अस्तित्व में आ रहे हैं इंडिया में। क्या एक एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाएं तो क्या ये पॉसिबल है क्या? आप क्या
जी सर, मेरा ये मानना है कि यदि दोनों के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संसाधन और समय की बचत होगी, किंतु मध्यावधि चुनावों की स्थिति में हमें और अधिक सोचने की आवश्यकता है कि मध्यावधि चुनाव यदि होते हैं तो फिर उसका क्या विकल्प होगा। बाकी कराए जा सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। साथ ही इसमें एक चीज ये भी है कि कई बार केंद्र में किसी मुद्दे के ऊपर कोई लहर उठती रहती है नेता की या किसी पार्टी की, तो उससे जनमत प्रभावित हो सकता है। तो उन दो चीजों को ध्यान में यदि रखा जाए तो करवाए तो जा सकते हैं। ये आपका बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा पता नहीं सर, मुझे पता नहीं चल रहा है? सर। चलिए, मैं स्कूल के पास ही रहती हूँ तो ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। ठीक अच्छा, गुड गुड गुड, चलिए कोई है सर। प्रॉब्लम। एक 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 भारतीय अशांति का जन्मदाता किस नेता को कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? सर लोकमान्य तिलक, लोकमान्य गंगाधर तिलक। अच्छा, गुड गुड गुड। आर्य समाज के शिक्षा का क्या योगदान मानते हो आप? सर आर्य समाज के संस्थापक विवेकानंद सॉरी दयानंद सरस्वती जी थे, और इनके द्वारा वैदिक शिक्षा जो हमारी थी उस पे विशेष बल दिया गया था। तो ये जो आर्य समाज था वो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना चाहता था। आडंबर रहित जो हमारे समाज व्यवस्था थी, जिस जो जो शिक्षा प्रणाली थी उसका पक्षधर था। नहीं, पक्ष तो आप सही तो कह रहे हो उसमें तो, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली कोई स्कूलों का नाम बताइए ना आप, जो 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 उन्होंने शुरू किए हैं। सॉरी आप सर। डिस्कशन करेंगे बाद में। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में सुना है? ये इतना सफल क्यों नहीं हुआ? सर सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, मुस्लिमों के उत्थान के लिए चलाया गया था। लेकिन दरअसल उसमें भी दो खेमे थे, मुझे अभी प्रॉपरली याद नहीं आ पा रहा। तो एक रूढ़िवादी था, एक परिवर्तनशील था। तो ये जो अलीगढ़ वाला था वो परिवर्तनशील था, उसका उन रूढ़िवादियों द्वारा विरोध किया गया था, जिसके कारण से ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खान ने जो है क्या एक क्या वहां पर स्थापित किया था अलीगढ़ में? एंग्लो मोमडन कॉलेज की स्थापना की थी, अलीगढ़ मोमडन कॉलेज की स्थापना। कौन सा? सर एक साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी इन्होंने, याद नहीं आ पा रहा सर, इस हिस्ट्री का भी रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। अच्छा चलिए, एक राजस्थान में अभिलेखागार कहाँ पर है, बड़ा सबसे बड़ा जो फेमस है? सर बीकानेर में। अच्छा, देवस्थान के विभाग में जानती हूँ क्या आप, क्या है ये? देवस्थान विभाग सर, ये जो मंदिर वगैरह या जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हुआ, चर्च हुआ या मस्जिद हुई, उन उनके विनियमन से जुड़ा हुआ होता है देवस्थान विभाग। मस्जिद नहीं, मस्जिद नहीं बोल देना, मस्जिद नहीं, देवस्थान विभाग में, देवस्थान। हाँ, इसमें भैया इसका जो है कमिश्नर। मंदिर हाँ, मंदिर मंदिर कहाँ पर मंदिर बैठता है इसका कमिश्नर? सर सॉरी जानकारी नहीं है इस बारे में। चलिए, आपका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आपने बाड़मेर के बारे में बताया था कि ये पेट्रोकेमिकल्स के, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की वजह से बॉर्डर बॉर्डर पर स्थित होने के कारण। एक और उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि वहां से कामगार, बहुत सारे जो है कामगार आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज भी वहां से आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है एक रीजन है वो। इसलिए वो वहां के ना ओनली, मतलब वहां पर बाड़मेर के लोग इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है। रेमिटेंस के लिए प्रमुख इसका वो है। हाँ, ये जो एक बहुत बड़ी बात है वहां की कि वहां पर पैसा जो है ना इंडिया से बाहर भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, और वहां के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनसे भी वहां पर, तो वहां संपन्नता बहुत है, मतलब इसी वजह से संपन्नता है। गार्गी पुरस्कार के बारे में सही बताया था आपने कि ये याज्ञवल्क्य ऋषि की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है निवेदन किया था ऋषि को, और उसी के नाम पर ये गार्गी पुरस्कार जो है बच्चों को दिया जाता है। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, अमेरिका की तुलना में भारत में अधिक पार्टियां क्यों हैं? वो आपका ऑलमोस्ट सही था कि वहां पर जो है ना अन्य पार्टियों का, वैसे उन्होंने शायद, ये तो मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने कोई इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है,
लेकिन वहां पर जो है ना दो पार्टियां ही हैं और यहाँ पर प्रादेशिक स्तर पर बहुत सारी पार्टियां हैं और उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां कंपैरेटिवली जो है ना दो ही पार्टियां रहती है तो वो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से वहां के लोकतंत्र की जो है ना उसमें जो है ना योगदान कर सकती है। भारत में लोकसभा का चुनाव का विधानसभा का आपका सही जवाब था कि ये संभव है, लेकिन वो जो है ना लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि वो जो है ना अगर उसका बीच में जो है ना डिजोल्व हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर उसका एक सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पा रहा है या सोचा जा रहा है। वैसे तो हो सकता है कि वो दो तीन पार्टियां मिलकर उसको जो है ना शासन को आगे प्रोलॉन्ग करें उसको और उस टाइम को किया जा सकता है, लेकिन वो अभी इसके बारे में डिसीजन नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ की बहुत सारी पार्टियों की वजह से ये पॉसिबल है कि दूसरी विरोध करती है और उसकी वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। आपने भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है उसको बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, जन्म सिद्ध अधिकार मेरा जो है ना आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सब आजादी की बात करते ही जो ना अंग्रेजों को थोड़ा सा जो ना उसका वो लग गया और उन्होंने उसको अशांति का जन्मदाता कह दिया। एक आर्य समाज के लिए मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, वो डीएवी स्कूलों का जो है उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा किया था, वो आपको ध्यान दयानंद एग्लो वैदिक दयानंद जो है डीएवी दयानंद एंग्लो इंडियन ये उसका हाँ, तो आर्य जो है उसको वैदिक स्कूलों की जो है स्थापना की और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट जो है नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत बड़ा जो है सेवाएं कर रही है कर रहे हैं, मतलब इसके लिए इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है खासतौर से पहले। अभी तो बहुत सारे स्कूल हो गए लेकिन उन दिनों में जबकि जो ना यहाँ पर दूसरे स्कूल का बहुत एजुकेशन का बहुत प्रभाव नहीं था। तब अलीगढ़ आंदोलन के लिए मैंने आपने पूछा था, वहां पर अलीगढ़ जो है आंदोलन इसलिए बहुत ज्यादा एजुकेशन के मामले में या उसमें सफल नहीं हुआ कि उन्होंने केवल वो सारा पैसा जो है ना अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ विश्वविद्यालय कॉलेज के नाम पर सैयद अहमद ने खत्म कर दिया पैसा, और इसकी वजह से जो जितना हिंदुओं में एजुकेशन का प्रचार हुआ उतना जो है मुसलमानों में एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो है वहाँ के लोग जो है एजुकेट नहीं हो पाए, केवल अलीगढ़ जाने वाला जो पैसा वाला है वही उसको एजुकेट हो पाया, तो इसकी वजह से ये अंग्रेज जो है मुसलमान पिछड़ गए, जिन्होंने केवल अलीगढ़ गए उन्होंने सीख लिया और बाकी लोग सब अनएजुकेटेड रह गए। मतलब एक पूछा था मैंने अभिलेखागार बीकानेर में, आपका सही जवाब है। देवस्थान के बारे में पूछा था मैंने, ये जो है ना कमिश्नर जो है देवस्थान उदयपुर में बैठता है उदयपुर में, और ये सारे जो है जितने भी जो है इसके ट्रस्ट बने हुए हैं इसके मंदिरों के, उन ट्रस्टों का जो है उनकी व्यवस्था का देखभाल देवस्थान करता है। तो एज ए होल आपका प्रियंका जी आपका जो है एक तो आपका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है और आपका जो है गेटअप जो है आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट, आपने जो है ना बहुत अच्छा ऑलमोस्ट आपकी तैयारी भी अच्छी है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छी तरह से आप करेंगे ये मुझे आशा आपका जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं ये मान के चलता हूँ। जी राजेश सर। जी प्रियंका जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर। आपने महारानी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है? जी सर। तो मुझे बताइए महारानी कॉलेज की स्थापना कैसे हुई थी? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 1947 या 8 में हुई थी, कंफर्म याद नहीं है मुझे। अच्छा, एक महाराजा कॉलेज भी है क्या वहाँ पे? जी सर, साइंस फैकल्टी की है उसमें और जस्ट महारानी कॉलेज के सामने ही है। अच्छा, उसकी स्थापना कब हुई थी? सर मैंने ये ध्यान नहीं दिया इस तरफ। चलिए एक बार देखिएगा आप इसको। जी सर। आप पश्चिमी राजस्थान सॉरी पूर्वी राजस्थान से आती हैं तो मुझे ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सर ये पूर्वी राजस्थान नहर राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसमें झुंझुनू और सीकर दो जिलों को सिर्फ पेयजल के लिए पानी मिलेगा, और इसके अतिरिक्त जो पूर्वी राजस्थान नहर है ये हमारे पर्यावरण पशुधन कृषि और भूजल स्तर को सुधारेगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक जीवनदायिनी नहर साबित होगी
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे राष्ट्रीय नहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से प्रार्थना पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। फिर भी 3500 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए, क्या अंतर आ जाए? सर, जैसे ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलेगा वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, लगभग 60% के आसपास, और राज्य को खर्च करना पड़ेगा। 60% जो आप बता रहे हैं, श्योर है आप? जी सर, 60% और 40% का अनुपात अभी रखा गया है योजनाओं के संबंध में, तो इस हिसाब से यही होगा। अच्छा, कितने आबादी को कवर करती, कितने परसेंट आबादी को कवर करेगी? सर लगभग 40 से तो ज्यादा ही होगा, 60% आबादी को कवर करेगी सर, ये 50 से 60% के बीच में। नहीं, आप थोड़ा सा आगे चले गए, 40 आपका आंसर सही था। 40%। अच्छा, ये एरिया देखिए 24% एरिया है ये पूर्वी राजस्थान, क्या और देखिएगा इसके अलावा और क्या लाभ हो सकते हैं इसके? ये तो चलिए आपने पर्यावरण, कृषि, पेयजल ये बताएं, इसके अलावा क्या लाभ हो सकते हैं? सर इसके अलावा जैसे ही ये समृद्धता आएगी तो जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि उद्योग कृषि ये बढ़ेंगे तो। अच्छा, उद्योग को लेकर क्या बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसा जिसमें इससे हेल्प मिलेगी? सर अभी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है राजस्थान में लगभग 22 उद्योगों में, तो कंफर्म तो याद नहीं आ पा रहा, एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है उसमें हेल्प मिलेगी, इसका आंसर ये उचित रहेगा? जी सर, बिल्कुल सही रहेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो नदियां हैं पूर्वी राजस्थान की, वो कौन कौन सी शामिल है इस प्रोजेक्ट में? सर बनास, बाणगंगा और बनास बाणगंगा दोनों ही नहीं, यमुना नहर होगी क्या सर इसमें? नदियों का नाम पूछ रहा हूँ मैं, नहीं याद आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, चंबल नदी है विशेष रूप से तो, और उसकी सहायक नदियों में आप काली सिंध, कुन्नू, पार्वती ये कुछ नदियां और ऐड कर सकते। चलिए कोई बात, ढोला मारू राजस्थानी संस्कृति का एक प्रतीक रूप में देखा जाता है, क्या जानकारी है आपको इनके बारे में? सर पश्चिमी राजस्थान मतलब मुख्य रूप से मारवाड़ में ढोला और मारू की कहानियां बनी हुई है, मतलब कहानी पढ़ी थी सर मैंने इनकी। अच्छा, आप राजस्थान के निवासी है ना? जी सर, ढोला मरवंडरी चौपाई और कई सारी इनके साहित्य भी लिखा गया है। अच्छा, आपको इंटरेस्ट नहीं है इनमें? नहीं सर। आपने अभी कहा मैंने पढ़ी है। सर दरअसल जब मैं सेकंड ग्रेड में थी तो लाइब्रेरी का चार्ज मेरे पास था, तब मैंने बस बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तब पढ़ी थी। शारदा एक्ट क्या था? सर शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने से संबंधित था, 1930 में ये आया था, और इसमें जो चाइल्ड मैरिज होती है उसको कानून अपराध किया गया था इसमें। अच्छा, अपराध घोषित किया गया था, अभी तक होती है चाइल्ड मैरिज तो? जी सर, प्रमुख रूप से अशिक्षा इसका कारण है, जब तक शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि कंफर्म के ये रुकेंगे। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 9-10 तक आते आते लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, और इसका प्रमुख कारण शिक्षा और गरीबी। व्यक्ति विशेष का नाम जो आता है वो कौन थे? हरविलास शारदा जी का नाम सुना? हरविलास शारदा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है, बिल्कुल हरविलास शारदा जी। चलिए कोई बात नहीं, ये अजमेर से संबंधित है, इनका कार्य क्षेत्र रहा है तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाए।
चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप प्रधानाध्यापिका हैं वर्तमान में, जी सर, फिर आपको आरएस सेवा में क्यों आना है? दरअसल सर, मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो आरएस बनना ही था। 8वीं कक्षा से मैंने ये सपना देखा था। उसके बाद में जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो कुशल सिंह जी, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, उनके द्वारा अपनी जीवन की कहानी सुनाई गई कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके आईएएस का पद और फिर वो राजस्थान के मुख्य सचिव के पद तक पहुंची। और जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया तब ये कहा था कि बेटा एक दिन जरूर बहुत अच्छे प्रशासक बनोगे, तो तब से मन में ठान रखा था मुझे आरएस बनना है। और शिक्षण में भी मेरी रुचि थी तो उस तौर पे मैंने ये कर लिया, और अगर आरएस भी बनती हूँ मैं तो भी मैं जुड़ी रहूंगी शिक्षा के क्षेत्र से। अच्छा, तो बेरोजगारी इतनी है, आपको ये पद क्यों दिया जाए? किसी और बेरोजगार को मिलना चाहिए पद? जी सर, निसंदेह बेरोजगारी है, लेकिन प्रशासनिक पद पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और साथ ही हमारा संविधान का में मूल कर्तव्य भी कहा गया है कि व्यक्ति को निरंतर उत्कृष्ट या उच्चता की ओर बढ़ना चाहिए, तो उसी तरफ मैं प्रयासरत हूँ। और मुझे ये लगता है कि मुझमें प्रशासनिक योग्यता है और मैं अपने जो पद का कार्यभार होगा उसके प्रति न्याय कर पाऊंगी। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और इतनी सरकारी नौकरियां है नहीं, तब क्या विकल्प सामने आता है कि लोगों को रोजगार मिले? जी सर, इस संबंध में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 6 क्लास से व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें इंटर्नशिप का भी प्रावधान किया गया है, उसमें प्रावधान है कि यदि कोई बच्चा 12वीं तक की पढ़ाई भी कर लेता है तो कम से कम उसे एक किसी भी विषय में एक कौशल उसका डेवलप करा जाएगा, जिससे वो अपने स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो सके और जो ये बेरोजगारी की समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान हो सके। ठीक, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अभी महंगाई की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो एक गृहिणी होने के नाते आप इसका कोई समाधान सुझाइए, क्या समाधान हो सकता है? सर, जो जैसे घरेलू स्तर पे यदि देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि हमें वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे हम खर्चों में कटौती कर सकें। जैसे गैस का उपयोग अपन करते हैं तो खड़े रह के करें, अनावश्यक उसको सिम पर घंटों दूध उबालना या घंटों तक वो चलता रहता है उसका नहीं, लिमिटेड टाइम में कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑयल वगैरह का यूज करें तो मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक खर्चा नहीं हो। जी, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह खराब नहीं हो, उस संबंध में भी हम सोच सकते हैं। अच्छा, चलिए रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, महारानी कॉलेज और महाराजा कॉलेज दोनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बायोडेटा से क्वेश्चन हो सकते हैं, ये स्टार्ट यहीं से हो सकता है। एक ये ERCP का फुल डिटेल आपको पता है कि कुछ जगह ये भी पढ़ने में आता है कि 90% जो इसका खर्चा है वो फिर केंद्र सरकार देगा अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है, तो इस वजह से ये प्रयास हो रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा। एक ये 40,000 करोड़ की परियोजना है, ये इसका आपको थोड़ा सा व्यय भी ध्यान रखें। 13 जिलों के नाम याद रखें आप, हो सकता है आपको 35,000 करोड़ का मैंने लिखा था, मुझे याद है। जैसे जैसे डिले होता, जैसे डिले होता जाएगा वैसे इसका जो लागत है वो भी बढ़ती जाए। 40,000 करोड़ के आसपास जी अपडेट होते रहे, जो इंटरनेट है वहां से नए नए डेटा आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे 13 जिले हैं उनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से जिले हैं, या नदियों के नाम आप नहीं बता पा रही थी, बाणगंगा और बनास दोनों ही नाम गलत थे उसमें। मुख्य जी बिल्कुल मुख्य नदी है इसमें चंबल। और 40% जनसंख्या की थी तो जयपुर संभाग में मतलब पूर्वी ये जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके साथ साथ इसमें हाड़ौती क्षेत्र भी शामिल है। बिल्कुल, और इसमें देखिए जो आबादी है वो लगभग 42% है और 24% जो पूर्वी राजस्थान का एरिया है वो कवर होगा इसमें। और नदियों के नाम मैंने आपको बता ही दिए। अब आप बात करें कि लाभ क्या होंगे, तो लाभ तो देखिए इसमें जो सिंचाई है, पेयजल, ये तो कॉमन सी बात है। इसके अलावा देखिए आप जो दिल्ली मुंबई और जो रेल कॉरिडोर है उसमें सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूचर की जो समस्याएं हैं या आवश्यकताएं उनको देखते हुए ये परियोजना चालू की गई है, तो ये भी आप इसमें ऐड करें। एक आपका आंसर ये ढोला मारू को लेकर बिल्कुल
क्या बोल सकते हैं, स्तरीय नहीं बोल सकते इसको, और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। जैसे आपको पूछा जाए ढोला के बारे में, तो ये कहानी प्रचलित है, बीकानेर के शासक के पुत्र थे, राजकुमार थे ढोला, पुंगल, पुंगल शेर। और एक आपके जो मध्य प्रदेश है एमपी, वहाँ एक नरवर क्षेत्र है, तो वहां पर ये गए थे। तो ये पूरी कहानी एक बार पढ़ना, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। शारदा एक्ट में आपको जो हरविलास शारदा जी थे, उनका मुख्य जो किरदार थे इस एक्ट के पीछे, उनका नाम ही आपको भूल रही थी, तो ये याद रखें थोड़ा सा। एक मैंने आपसे बेरोजगारी वाला ये प्रश्न पूछा, संतुलित उत्तर था आपका इस बारे में, महंगाई का समाधान और क्या आप सुझाव दे सकते हैं, और सुझाव ऐड करें इसमें, थोड़े स्तरीय होने चाहिए ये सामान्य चीजें, जैसे घंटों तक दूध उबालना, घंटों तक कोई दूध नहीं उबालता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा जवाब था आपका। जो खाने का तेल है वो हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये आपका बहुत अच्छा इसमें पॉइंट आपने ऐड किया, इसमें कमी करके हम जो आयात है उसको कम कर सकते हैं, या जो दाम है उसमें लगाम लगाई जा सकती है, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक और ऐड कर सकते हैं कि जो पेट्रोल वगैरह है वो बहुत ज्यादा हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि आप देखते हैं कि जो ज्यादा पेट्रोल या डीजल की खपत वाले वाहन हम चलाते हैं, या सिंगल जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के कुछ सुझाव और ऐड करें तो आप अच्छा रहे। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारियां और बढ़ाएं आप, बाकी आपका आत्मविश्वास अच्छा है, जानकारियां अच्छी है आपको, और थोड़ा और अपडेट रहें, ठीक है। राजस्थान की कल्चर और जो ज्योग्राफी है उसका अध्ययन करें आप, शुभकामनाएं आपको। जी सर। जी प्रियंका जी। जी सर। अच्छा ये बताएं कि जो जूही चावला पर कोर्ट ने अभी जुर्माना किया है, आपको लगता है वो सही है? सर कोर्ट ने जो जुर्माना किया है वो कोर्ट का समय खराब करने और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से ध्यान को हटाने के कारण ये जुर्माना लगाया गया उनपे, और एक उन्हें एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। जैसे अगर समस्या, जैसे सरकार की कोई योजना है, अगर हमें समस्या है तो सबसे पहले हमें सरकार या जो डिपार्टमेंट है वहां पे उस चीज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए या वहां रखनी चाहिए, और वहां यदि समाधान नहीं होता तो फिर हमें कोर्ट जाना चाहिए। ओके। और वो सीधे कोर्ट चले गए थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं सीमित किया जा रहा है? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। सभी को बोलने का भी अधिकार है और अपनी बात रखने का भी अधिकार है, लेकिन यदि बात रखने का सही वे हो तो कार्य प्रणाली और भी बेहतर हो सकती है, और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके ध्यान केंद्रित किया जाता है। अच्छा ये बताएं कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों में क्या अंतर होता है? जी सर, मौलिक अधिकार तो हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख है, और जो मानवाधिकार है वह व्यक्ति को उसके जन्म से ही एक मानव होने के नाते प्राप्त है, जैसे विवाह का अधिकार हुआ, जो भी पोषण का अधिकार हुआ, इस तरीके के अधिकार। ओके। और विधिक अधिकार? जी सर, विधिक अधिकार हमें कानून द्वारा प्राप्त वे अधिकार है जो हमारी उन्नति या किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र या परिलब्धि के लिए हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है अभी हमारा? जी सर, ये विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, इसके बारे में बताएं कब इसको परिवर्तित करके विधिक अधिकार बनाया गया? जी सर, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 जोड़ा गया था, और ये भाग 12 का अध्याय 4 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है और कानूनी अधिकार बनाया गया है। 300 का है वो, 300 ही, ठीक है। अच्छा, आप HM हो आप अभी? जी सर। अच्छा, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताइए। सर शिक्षा के RTE एक्ट 2009 में आया था,
और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु की जितने भी बालक बालिका हैं उन्हें विद्यालय से जोड़ना और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1 किलो प्राथमिक जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, उच्च प्राथमिक 2 किलोमीटर के दायरे में होंगे और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तब जो दायरा है वो 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित होंगे, जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और विद्यालय से जुड़ सके। अच्छा, किन शिक्षण संस्थानों पर ये लागू नहीं होता है? सर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो शिक्षण संस्थान है उन पे ये चीज लागू नहीं होती है। राइट, क्या ये निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है? जी सर बिल्कुल, वहां भी 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है आरटीई एक्ट के तहत। ओके, अच्छा, शिक्षा का अधिकार संविधान में कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? सर 21 का संविधान मूल अधिकार का जो संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 का, और इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों में भी मिलेगा 11वां कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 राइट, में और शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। अच्छा, इसके अलावा सर इसके अलावा तो भी रिकॉल नहीं कर पा रही, अभी तो 3 याद आ रहे। शिक्षा संस्कृति का अधिकार भी है संविधान में? अब बिल्कुल सर, वो 29 और 30, 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ा हुआ। फिर ओबीसी को भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार है? जी सर ओबीसी को भी दिया गया शिक्षण संस्थाओं में? मैं सर समझ नहीं आ रहा, ओबीसी को शिक्षण संस्थान ओबीसी को सर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का है, विशेष रूप से ओबीसी को नहीं है सर इसमें, जो एक आय सीमा निर्धारित की गई है अभी 2.5 लाख कर दी गई है उसे, 2.5 लाख या 2 लाख है, उससे नीचे वाले आय समुदाय ओबीसी चलो के आप होंगे इसको तो वो भी देखना जाएंगे। एक बार कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, आप एक बार चेक करना इसका। 15-4 राइट, तो अब आपको याद आ गया इसका मतलब, पंद्रह जी सर, चार 15 में है। तो ये सारे अनुच्छेद बताने हैं आपको, सिर्फ 21A और 45 बता के रुक नहीं जाना है, ये ओके सभी में सर शिक्षा है, 5-6 अनुच्छेद है ये। जी सर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें नया क्या है? जी सर नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है स्कूल एजुकेशन में, जबकि ओके, पहले ये 6 से 18 वर्ष या 6 से 14 वर्ष मुख्य रूप से उनको केंद्रित करती थी। अब 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को भी ठीक है, बुनियादी प्राथमिक और शिक्षा में, एक इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का उच्च शिक्षा में प्रावधान किया गया है, और एक व्यवसायिक शिक्षण को मतलब व्यवसायिक कौशल को डेवलप करने के लिए जो 6ठी क्लास से कोर्स शुरू करा जा रहा है वो भी इसमें एक नया ठीक है, मेरा जोड़ा अंतिम गया है। प्रश्न आपसे, अंतिम क्वेश्चन, कि जो शिक्षा पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, इसको अभी रेट्रोस्पेक्टिव लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई है, बता पाएंगे कब से है वो? सर अभी हाल ही में अखबार मतलब न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो था सर, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं इस बारे में। ओके, राजस्थान में भी रीट पे भी लागू करने की बात आ रही है कि लाइफ टाइम उसको वैलिड करा जाएगा। अच्छा, ये 2011 से है, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया जाएगा, 2011 से टेट को आजीवन ये बना रहेगा। रीट को लेकर कुछ विवाद है कि रीट को नहीं बनाया जा सकता? सर विरोध तो हो रहा है, आज की न्यूज़पेपर में ही था पर पढ़ नहीं पाए मैं थोड़ा उसका चलो आप कंफ्यूज हूँ। देखना इसको। अच्छा बताएं ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड सर ये कोई नागरिकता से रिलेटेड है या फिर कार्बन ठीक है, क्रेडिट? आप थोड़ा सा आईआर देखें, और ग्रीन कार्ड और ये जो वीजा नियम और ईगल एक्ट और ये जो भी नए आए हैं इन दिनों, इन पे चर्चा करें। शिक्षा के अधिकार को थोड़ा और डिटेल में देखिए, प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस है तो जो चर्चा के मुद्दे रहे हैं राज्यपाल और सीएम और इन दिनों जो दल बदल और इन मुद्दों को जरूर देखें। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका, बढ़िया है, बस थोड़ा उत्तर कहीं कहीं बड़ा हो जाता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं उत्तर थोड़ा डिटेल में चली जाती है, तो कोशिश करें कि इसको पॉइंट आउट करें।
बाकी ओवरऑल ठीक है, ठीक है, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सर।